डंगार चौक में जल शक्ति विभाग की मेन पाइप पिछले 6 महीनों से लगातार लीक हो रही है और भारी मात्रा में पानी सड़क में पिछले 6 महीनों से बह रहा है। दखियूत पट्टा डंगार पेयजल योजना के मेन टैंक की पाइप डंगार चौक के बीचों बीच होती हुई श्री हरि देवी माता के मंदिर के समीप बने पानी के टैंक को जाती है और पिछले लगभग 6 महीने से पाइप लीक है। गत सप्ताह इसको वेल्डिंग भी करवाई गई, लेकिन पूरी तरह से सड़ चुकी पाइप में वेल्डिंग भी लीकेज को नहीं रोक सकी और ये पाइप मात्र 24 घंटे के बाद दूसरी जगह से लीक हो गई, जिससे सड़क में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। पीडब्ल्यूडी की सड़क में गड्ढे भी पड़ चुके हैं। जब इस बारे में जूनियर इंजीनियर रोहित चंदेल से बात की गई तो उन्होंने कहा, बात ध्यान में है, लेबर कहीं दूसरी जगह काम कर रही है, आगामी 2 दिन तक पाइप को चेंज करवा देंगे। वहीं अधिशासी अभियंता नीलम ने कहा, शीघ्र ही पाइप को चेंज करवाया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डंगार चौक से जगदीश सेठी की रिपोर्ट।